शांति रखो, क्या बात होगी? शांति, हाँ शांति रखो। गाड़ी गाड़ी, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो इधर। सांस लो आराम से पहले। अब बताओ क्या बात होगी? वो मैं गाड़ी गाड़ी गाड़ी। क्या हो गया गाड़ी को? हैं? पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान काट दिया आपका? नहीं, वो किसी का टिकट कट गया, मतलब टिकट काट दिया मैंने, वो किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, निकल गई जान उसकी। क्या बात कर रहे हो नाना जी, हैं? बुढ़ापे में जेल जाने का? नहीं नहीं नहीं, आराम से सांस लो पहले, आप सांस लो नाना जी, शांति रखो, कुछ नहीं हुआ है। क्या बात होगी है, हैं? आपसे कितनी बार कहा है आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, किसी को साथ लेके जाया करो, और किसी को नहीं, मुझे बोल देते मैं चलता साथ में, पर आपके। चुप रहना, कुछ मत बोलना। क्या बात है, बहुत सही, आपने सही मजा बांध दिया, तो बहुत सही बताया आपने। क्या बात है सड़ू भाई, बड़े ज्यादा ठाके लगा के हंस रहे हैं आज तो। हाँ बात यही है, चुटकुला सुनाया नाना जी ने। अच्छा अच्छा, सुनोगे आप भी? हाँ सुनाओ। वो एक बार शराबी नशे में दूत होता है, और वो दूत होकर नाले में गिर जाता है, और नाले में बैठी होती काली कुतिया है, काली कुतिया की पूछ पकड़ लेता है, कहता है बिल्लू की माँ तू तो रोज जूड़ा बनाती थी, आज तू चुटिया बना के क्यों बैठी है। बहुत सही नाना जी। ये साडू भाई इतने घटिया से चौक पर इतनी फेक हंसी दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ से पता करना पड़ेगा। वॉच नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, क्या जोक था। अब नाना जी अगली बार ना बिल्ली का जोक सुनाइए। सुनाओ। क्या चुटकुला? अरे नाना जी रोना बंद करो पहले तो, रोते हुए आदमी से क्या बात करे, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, शांति रखो थोड़ी सी। सही से बताओ कहाँ पे क्या और कैसे एक्सीडेंट हुआ, सुनाओ। वो है ना विश्राम चौक नहीं, विश्राम घाट है। वही घबराहट में निकल गया ना, विश्राम घाट के पास पान की दुकान से राइट मोड़ो जहाँ पे बिजली का बिल जमा करते हैं, वहाँ पर मैं कार मोड़ रहा था, सामने से एक आदमी आया, उसको मैंने उड़ा दिया। मर गया या जिंदा है? पता नहीं, बस पीछे से आवाज आ रही थी, मेरी जान चली गई। मैंने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मैं तो सीधा भाग के आ गया। सांस ले लो, जान चली गई है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। आप रोना बंद करो, ऐसे नहीं चुप हो गए आप, एक काम करो अंदर जाके ना 2-4 किलो मिठाई खाओ, तब बीपी कंट्रोल होगा। ये ठीक है, चलो ये सही है। हाँ चलो जाओ, मिठाई से फर्क पड़ेगा। धोती संभालो, पता लगे यहीं पे कांड हो गया दूसरा। अजब गजब घर जमाई। अरे डॉली जी, हाँ? एक SMS लिखो जल्दी फटाफट। हाँ हाँ, लेकिन आप एड ब्रेक की तरह इतनी जल्दी में क्यों है चिंटू जी? ब्रेक फेल हो गए हैं। डॉली जी आप खामखा की बातें, सवाल मत पूछो मेरे से, आप मैसेज टाइप करो फटाफट से। हाँ लेकिन आप मैसेज। हेलो, हाँ भाई मनीष भाई, हाँ ठीक है बढ़िया। अच्छा बात सुन मेरी, वो विश्राम घाट है ना, हाँ वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, जरा पता करके बता, वो बंदा मर गया जिंदा है, क्या है चक्कर है उसका, चोट पेट कितनी आई है, पता करके पहुंच फटाफट। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। अरे तेरे बात मेरे से हो गया, यूं समझ ले मेरे से हो गया एक्सीडेंट, बस जा फटाफट पहुंच, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। राते जान बचा दे। चिंटू जी एक्सीडेंट कब कैसे कहां, आप तो ठीक है ना? डॉली जी क्या हो गया आपको, क्यों बिना बात घबरा रही हो, आपके सामने सही सलामत खड़ा हूं, आप जिस काम पे लगाए वो करो ना फटाफट, मैसेज टाइप करो। चिंटू जी लेकिन मैसेज तो बताइए क्या टाइप करे। लिख के भेजो, हाँ। विश्राम घाट पे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंच। वैसे चिंटू जी वो सामने वाले को बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? अरे डॉली जी आप फिर से क्यों इतना घबरा रही हो, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ। ये एक्सीडेंट वाली बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, आप भी फिक्र मत करना। हाँ चिंटू जी, वैसे भी आज हमारा 16 सोमवार का व्रत है, हम भी हर मुश्किल का सामना डटकर करेंगे आपके साथ। आप सामना मत करो, मैसेज करो मैसेज। हाँ, रुक जाओ।
इसको मैसेज भेज दो आप फटाफट से। जी जी आप टेंशन मत लेना। इसको मैसेज ही नहीं जा रहा, एक काम करते हैं हमारे फोन से करते हैं। डॉली जी बहुत घबराई हुई लग रही है। नहीं नहीं वो हमारा सीरियल स्टार्ट होने वाला है ना फेवरेट वाला, बस वो निकल ना जाए इसलिए थोड़ा जल्दी में आते हैं। हाँ जी घबराहट के पीछे तो कुछ और ही राज है। एक्सीडेंट हो गया विश्राम घाट, जल्दी पहुंचो। ओ, तो साडू भाई की हंसी के पीछे ये रास्ता। राधे राधे वकील साहब। जी सब बढ़िया। आपसे एक बात पूछनी, अगर किसी से एक्सीडेंट हो गया हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए जेल कैसे भिजवाया जा सकता है? जी बहुत बढ़िया। राधे राधे। हाँ केसरिया, अरे बता रहा हूं ना मेरी बात को सुनो यार, सुबह सुबह का समय था वहां पर कोई भी नहीं था। हाँ 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 जरा पता करके बताओ वहां पे कुछ हुआ था क्या? देखो तुम जलेबी खाने मत बैठ जाना। हाँ राधे राधे। बीपी ऊपर नीचे हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। आराम से बैठो। क्या हुआ है, पागलपन का दौरा पड़ गया क्या? फिर पुलिस हूं मैं भी वहीं से आ रहा हूँ विश्राम घाट से जहाँ पे घटना आप बता रहे हुई थी। कोई एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं हुआ वहाँ पे? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? हाँ थाने में भी क्या था, किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है एक्सीडेंट एक्सीडेंट की। और पुलिस स्टेशन के बाद मैं सीधा वहाँ पे गया अपना अस्पताल में, वहाँ चेक किया कि कोई लाश वाश आई हो जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, वहाँ भी कोई नहीं है बॉडी पॉडी। लेकिन मेरी गाड़ी के साथ में एक आदमी टकराया था ना। अरे मैं वहीं से आ रहा हूँ। बैठो मतलब मैं शोर मचा रखा है। बोलो। घर में पुलिस आई है, मालकिन ने सबको बैठक खाने में बुलाया। ठीक है चलो। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। बोल दो नाना मर गया नाना। चलो नहीं जाऊंगा मैं। अरे पुलिस है यार, मैं नहीं जाऊंगा। चलो नहीं जाऊंगा। चलो नहीं। इंसान की इज्जत खुद उसके हाथ में होती है, आपके बात समझ में नहीं आ रही। अरे अरे धोती नहीं। अरे अच्छा चल रहा। अरे धोती तो छोड़ो। अरे मैं चल रहा। धोती 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 छोड़ो, उतर जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, बाहर खड़ी गाड़ी का नंबर वही है, इसी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी। ठीक है घर के बाकी सदस्य को आ जाने दो, उसके बाद शिनाख्त कर लेना, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। जी सर। इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी, इसी ने मुझे टक्कर मारी थी गाड़ी से। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा, सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मुझे टक्कर मारी फिर गाड़ी रोककर मेरे पास आया, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जगह मेरा पर्स और मोबाइल लेकर चला गया और मैं बेहोश हो गया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे चिंटू जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे भी पूरा विश्वास है कि साडू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं नानी जी, हो ही नहीं सकता। अजी तुम्हें कि अपनी छत से कूदकर अपनी टांगे टूटवाकर इन पर इल्जाम लगाने यहाँ आया हूँ?
इंस्पेक्टर साहब यही है वो आदमी, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, चिंटू चौटाला, क्या तुमने ये एक्सीडेंट किया है? बोलो। नहीं नानी जी, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया है, मुझसे नहीं हुआ कोई एक्सीडेंट। इन भाई साहब के अभी पांव टूटे ना, हाथ की हड्डियां भी टूट जाए अगर झूठ कहूं तो। क्या झूठ कहूं तो ना? मिस्टर चिंटू, इन्होंने आप पर इल्जाम लगाया, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इल्जाम तो मैं भी लगा रहा हूं इनके ऊपर, झूठ बोल रहा है ये आदमी, मां नानी का दावा करूंगा मैं इसके ऊपर, इसको भी लेके चलो साथ में। हाँ हाँ सही है सही है, कोई सबूत है तो बताओ, लेके आओ नहीं तो अपने घर जाओ। ये ठीक है, अगर आपने जुर्म किया है तो आप कानून के हाथों से नहीं बच सकते, अगली बार आऊंगा सबूत के साथ। राधे राधे। हाँ राधे राधे। जय हिंद। अच्छा राधे राधे जगदम्बे जी। राधे राधे। चिंटू चौटाला, तुम्हारी वजह से हमारे घर में पुलिस आई, अब सच सच बता दो कि क्या तुमने ये एक्सीडेंट किया है, क्योंकि हम गलत चीज में कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, सोच के जल्दी से फैसला करो। चिंटू बेटा, इनको सच बता देते हैं, उस आदमी को कुछ पैसे दे के मामला रफा दफा कर देते हैं। क्या सच बताओगे इनको? वो आदमी तो खुद ही झूठ बोल रहा है, पुलिस वालों के साथ आया है यहाँ पे, उसे ना तो पैसे चाहिए नाना जी, और ना ही कानून का इंसाफ, इसका कोई और ही चक्कर है। पहले पूरी कहानी पता करने दो, उसके बाद देखते हैं। अजब गजब